अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम है आपका सारा एंड मॉमी चैनल पे, और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखो, ये रही सारा। सारा बहुत ज़िद्दी हो गई है अभी। सारा को मैंने मेरी लिप बाम नहीं दी तो सारा रो रही थी। अभी देखो दी हूँ तभी वो चुप बैठी है। और आज का मेरा दुबई में दूसरा दिन है तो आज मैं अपनी रूटीन सेट करूँगी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है इधर, तो वो सब मैं आपको बताती हूँ अभी। कल का मेरा फर्स्ट डे था तो हम लोगों ने सिर्फ सारा की साइकिल बना दिए थे और हमारे सब कपड़े वगैरह जगह पे लगा दिए। अभी कल मैं नीचे भी गई थी, सारा का सब सामान वगैरह लेके आ गई। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं डाइट स्टार्ट कर दूँ क्योंकि दुबई में आने के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ जाता है, तो मैं पहले से ही अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करूँगी तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज से डाइट फॉलो करती हूँ। तो अभी मैं डाइट में क्या क्या करती हूँ ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगी। तो मिलते हैं अभी ब्रेकफास्ट पे। तो अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और ये सारा के लिए मैंने चावल की खीर बनाई हूँ। और मेरे डाइट में मैं लेती हूँ एक अंडा, रोटी, 3 जैतून और 3 बादाम। तो रोज़ अभी मेरा यही ब्रेकफास्ट रहने वाला है। तो अभी मैं पहले सारा को खिलाऊंगी, फिर आपको, फिर मैं खुद खाऊंगी। फिर मैं अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपनी स्किन केयर कर रही हूँ, तो ये मेरे 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी और ये मेरे आइज़ के लिए भी यूज़ करूँगी और मेरी दवाइयाँ है वो खा लूँगी। और दवाई खाने के बाद मैं ये जो घर में जो सारा ने कुछ चीज़ें सारा के होते इधर उधर बिखरे पड़े हुए तो वो सब मुझे उठाना है और मेरा आज स्टडी टेबल रेडी करूँगी। तो अभी बाद में मिलती हूँ। अभी हम सब के जो है वो स्टडी टेबल्स है, ये सब बच्चों के स्टडी टेबल्स है। फर्स्ट वाला जो है वो मेरा है और ये सलवा का है, वो सुल्तान का है और वो लास्ट में ऐसे सिर्फ खाने और कुछ चीज़ें रखने का टेबल है। तो अभी मैं इधर ऑल्ट्रेशंस करूँगी, मेरा टेबल मैं अभी साफ़ करके रेडी करने वाली हूँ और सलवा का जो टेबल है, अभी सलवा यहाँ है नहीं तो मैं उसके चीज़ें जो है वो लास्ट वाले टेबल पे शिफ्ट करके वो सब जो है वो यहाँ रखने वाली हूँ। तो अभी सारा देखो, सारा की तो आवाज़ ही बंद नहीं होती है। तो अभी मैं ये सब काम करके फिर मैं देखती हूँ आगे क्या और करना है। अभी मेरा जो है वो दिन का सब काम हो गया है। यहाँ पे मेरा काम कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ मुझे, मैं झाड़ू मारती हूँ और जो सारा ने इधर उधर चीज़ें बिखराई है वो उठाती हूँ, बस इतना ही मेरा काम है। और सारा का खाना बनाना और जो भी किचन में गंदा करती हूँ उसका खाना बनाते वक्त वो साफ़ कर देती हूँ। तो मेरा अभी दिन में 10:30 हो रहे तो मेरा सब काम देखो हो गया है। और ये जो टेबल का मैंने आपको बोला था तो ये मेरा स्टडी टेबल है जो मैंने अभी साफ़ कर दी, और ये मेरी चेयर है जो मुझे बहुत पसंद है। और ये टेबल मैं साफ़ करने वाली थी मगर इधर मेरे अब्बू की कुछ चीज़ें हैं तो वो आएंगे तब मैं उनको पूछूंगी क्या उठाना है रखना है, तब मैं इसका काम कर दूंगी। तो बस अभी सब हो गया है। और सारा का कल मुझे सेरेलैक मिला नहीं तो मैं अभी देखती हूँ नीचे जाके सुपरमार्केट में, कल नेस्टो में नहीं मिला तो अभी नीचे देखती हूँ अगर कुछ उसके लायक मिल जाता है तो, क्योंकि सेरेलैक उसके लिए बहुत ज़रूरी था। और अभी यहाँ पर अगर सेरेलैक नहीं है तो मैं उसको, मतलब अगर कुछ फास्ट बनाना है तो कब खिलाऊंगी, क्या बनाऊंगी, तो देखती हूँ अगर कुछ मिलता है तो। और सारा देखो क्या कर रही है, सारा। तो अभी मैं निकलती हूँ तब आपसे मिलती हूँ। सुपरमार्केट में आई हूँ, हमारे बिल्डिंग में ही है तो यहाँ पे सेरेलैक फिर से मैं ढूंढने के लिए आई हूँ कि सेरेलैक है क्या। तो यहाँ पर भी वो बोले कि नहीं, 1 साल से बड़े बच्चों का, 8 मंथ्स के ऊपर जो है वो इधर सेरेलैक नहीं मिलता है। तो अभी मुझे सेरेलैक के बजाय कोई उसको दूसरी चीज़ें खिलाने पड़ेंगे घर में ढूंढ के। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी है, तो यहाँ पे ये जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मिक्स करके प्यूरीज बनाए हुए हैं तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं ये सारा के लिए अभी लेके जा रही हूँ, इनमें से कौन से ले रही हूँ ये मैं आपको घर पर बता दूंगी। तो अभी मैं देखती हूँ आगे और कुछ अच्छा दिखता है। टैटूज मुझे दिखे हैं इसमें, बच्चों के भी है, छोटे बच्चों के भी है। तो ये देखो छोटे बच्चों के भी है तो मैं इसमें से एक सारा के लिए ले लूँगी और फिर जब मैं उसके हाथ पे निकालूंगी तब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा लिया हूँ मैंने। यहाँ ये कोरियन नूडल्स है, काफ़ी रमेन इनको बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है इनको भी ट्राई करना। बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे नूडल्स की, देख सकते।
ये देखो इतनी सारी वैरायटी है यहाँ पे, तो में से मैंने भी एक ले लिया है। तो वो मैंने क्या लिया है ये मैं आपको जब ट्राई करूँगी ना तब आपको मैं उसका रिव्यू दे दूँगी। आने के बाद सारा के लिए मैं ये वाले ओट्स यूज़ कर रही हूँ विटाबिक्स के, वहाँ मैं उसके लिए सफोला यूज़ करती थी, यहाँ अभी विटाबिक्स के ये ओट्स यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं नीचे से ऊपर आ गई हूँ और मैंने ये 3 पैकेट सारा के लिए लाई हूँ। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मिक्स प्यूरी है, तो इसमें क्या क्या है, प्योर बीट, ब्लूबेरीज और सुपर चिया इस पैकेट में है। इसमें है एप्पल, केल एंड अवोकाडो। इसमें है पर्पल कैरेट्स, बनानास, अवोकाडो एंड क्विनोआ। तो ये 3 मैं इसको अभी एक एक करके एक एक दिन पे खिलाते जाऊंगी। और ये देखो सारा की खिचड़ी भी दोपहर की बन के रेडी हो गई है। इसमें आज मैंने गाजर, शिमला मिर्ची और फरस भी, फ्रेंच बीन्स ये डाल दी हूँ और मूंग दाल है इसमें। बस ये उसकी आज खिचड़ी बना के मैंने रेडी की हूँ। और ये देखो अभी 4 बज रहे हैं और सारा जो है वो अभी जस्ट उठी है। सारा बोलो बहुत ठंडी है, ठंडी है बोलो, ठंडी है सारा बोलो, ठंडी है। देखा हाँ, और सारा को मैंने अभी देखो सारा की ये खिचड़ी मैंने अभी रेडी की हूँ पीस के, अभी मैं इसको खिचड़ी खिलाऊंगी। हाँ बोलो खिचड़ी खिलाएंगे, तो मैं अभी सारा को खिचड़ी खिलाती हूँ फिर देखती हूँ और आगे क्या करना है। अभी शाम हो रही है और सारा ने खाना वगैरह सब खा लिया है। अभी मैं जो है वो अपना मेकअप करवा रही हूँ, आसमांटी मेरा मेकअप कर रहा है, जी इसके हाँ बाद में हम लोग देखते हैं कैसे दिखता है मेरा फेस। हाँ अभी मैं पहली बार सौल्या की फेस पे मेकअप करूंगी। सौल्या को भी पहले से थोड़ा थोड़ा मेकअप आता है, और जितना मैंने बेसिक मेकअप सीखी हूँ उतना मैं सौल्या के फेस पे ट्राई करूंगी। तो आप जरूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको मेकअप। ये देखो मेरा मेकअप हो गया है, आसमांटी ने किया है, कैसा आपको लग रहा है? तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लर, हमको जो है वो मुझे आईब्रोज करने हैं और उनको भी कुछ काम है, तो हम लोग अभी वहीं पे मिलेंगे आपसे। सारे को मुझे सलोन में जाते हैं, अल बाहर लेडीज सलोन। तो अभी मैं वापस आ गई पार्लर से आईब्रोज करके, और मेकअप भी मैंने अभी रिमूव कर दिया है, काफी फ्रेश लग रहा है अभी। और अभी मेरा हो गया है डिनर टाइम, तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये नूडल्स बनाऊंगी आज मैं। तो अभी क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, उसमें क्या क्या डालती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप ये नूडल्स को खोलोगे तो आपको यहाँ पे ये नूडल्स ऐसे मिलते हैं, और ये जो है वो सॉस है एक, जिसको आपको मैं पानी में डाल के पकाती हूँ ये सॉस नूडल्स के साथ। और ये पाउडर है जो लास्ट में नूडल्स पकते आते तब डालती हूँ। तो अभी बनते बनते क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हैं कितने स्पाइसी लग रहे हैं मेरे ये नूडल्स। और इसके साथ में जो मैंने साइड्स में जो बनाया है वो है, यहाँ पे मैंने एक एग हाफ फ्राई बनाया है सनी साइड अप जिसको बोलते हैं, और ये है चिकन नगेट्स जो थोड़ा जल गया है, और ये कैप्सिकम है, मुझे कैबेज भी इसके साथ पसंद है मगर आज कैबेज नहीं है तो मैं सिर्फ कैप्सिकम ही ले रही हूँ। और अभी ये जो मैंने पाउडर आपको बताई थी वो मैं इसमें डाल दूंगी, इस स्टेज पे मैं पाउडर डाल देती हूँ। इससे पहले मैंने दूसरा फ्लेवर ट्राई की थी, ये फ्लेवर मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तभी अभी जब पूरा लाइक जितना मुझे ड्राई चाहिए उतना सूख जाएगा पानी, तब मैं इसको अभी निकाल दूंगी, निकाल के फिर प्याले में मैं आपको बताती हूँ। मैं ये अपने नूडल्स की प्लेटिंग कर रही हूँ, तो इसमें मैंने एक स्लाइस शेडर चीज़ की डाली हुई है, और ये जो मैंने एग बनाया था ये मैं इसके ऊपर रख दूंगी, और ये जो मैंने नगेट्स बनाए थे ये इधर रहे, और ये रहे मेरे कैप्सिकम। तो आप देख सकते हैं इसमें चीज़, एग, नगेट्स एंड कैप्सिकम। अभी ये मेरे नूडल्स बन गए हैं, अभी मैं खाती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। दिखने में तो थोड़े डरावने लग रहे हैं। तो ये मैंने शिमला मिर्ची ले ली और थोड़ी चीज़ लेती हूँ अब, और थोड़ा सा इसमें ऑमलेट भी ले लेती हूँ।
यहाँ पे स्पाइस लेवल है मगर टॉलरेट हो रहा है, उतना भी नहीं है, दिख रहा ज्यादा स्पाइसी है मगर उतना स्पाइसी नहीं है। पर अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हो तो ये नूडल्स मत खाओ। तो अभी मैं ये नूडल्स खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी मेरा डिनर भी हो गया है और अभी रात के 10:30 हो रहे। आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय किया मैंने। और पार्लर से आते वक्त मैंने कोन लेके आई हूँ मेहंदी की, तो इंशाल्लाह कल दोपहर में मैं सारा के हाथ पे निकाल दूँगी मेहंदी। और आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताओ, और मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नया नया चैनल है मेरा तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करो। और बस आज का दिन बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी आप सबसे मैं कल मिलूँगी, कल सुबह इंशाल्लाह। तो गुड बाय, सी यू।